इस वक्त बन्नू में हालात बहुत नाजुक चल रहे हैं। मीडिया आपको नहीं दिखा रहा वहाँ पे क्या हो रहा है। असल में हमारे मुल्क में जहाँ पे भी जुल्म होता है, ज्यादती होती है, हमारा मीडिया आंखें बंद कर लेता है, नहीं बताता कि क्या हो रहा है। हमारी रियासत, हमारी हुकूमतें, ये मुनाफिक पॉलिटिकल पार्टीज़, ये मजहबी तंजीमें सारी की सारी आंखें बंद कर लेती हैं। कोई बंदा अपने मुल्क में होने वाले जुल्म ज्यादती के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। बन्नू के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों के ऊपर निकले हुए थे, जो अमन मार्च कर रहे थे। उनके हाथों में कोई डंडे शंडे नहीं थे, कोई बंदूकें, कुछ भी नहीं था, अमन मार्च कर रहे थे। उनके ऊपर गोलियाँ बरसाई हैं और लोगों के जख्मी होने के बाद, शहीद होने के बाद, वहाँ के हज़ारों की तादाद में जो लोग थे, आप लोगों ने वापस जाने से इनकार कर दिया। वो सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, लोग धरना दे रहे हैं, एहतजाज में तेज़ी आ गई है। अब ये सारी सूरत हाल मीडिया पर नहीं दिखाई जा रही। फैज़ाबाद में TLP ने जो धरना दिया था वो ख़त्म हो गया, उनके मुज़ाकरात हो गए हुकूमत से। मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि खुदा के लिए, आपके मुल्क के अंदर भी लोग मारे जा रहे हैं, आपके मुल्क के अंदर भी लोगों के ऊपर जुल्म तशद्दुद किया जा रहा है, मेहरबानी करके इन लोगों के लिए भी थोड़ी सी आवाज़ उठा दें। जुल्म सिर्फ फ़लस्तीन में नहीं हो रहा, जुल्म आपके पाकिस्तान में भी हो रहा है। और साथ ही साथ मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मरकजी क्यादत और अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी लानत भेजना चाहता हूँ कि आप लोगों के होते हुए इस सूबे में इस तरह की हरकतें हो रही हैं, आपके सूबे के लोगों को सरेआम गोलियां मारी जा रही हैं और आप आंखें बंद करके सोए हुए हो।